हेलो गाइस, आज के वीडियो में एक ऐप मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के सीपीयू, जीपीयू, स्क्रीन और सारे स्पेक्स आप चेक कर सकते हो और इसमें टेस्टिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ऐप दिखा दूँ। ऐप का नाम है GCPU। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली सर्च करके डाउनलोड कर लेना। तो ऐप का जो UI है वो आप देखिए। सबसे पहले इसका UI एकदम अच्छा है, एकदम मतलब प्रोफेशनल गुड लुकिंग है, ठीक है। तो GCPU के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। GCPU इज़ अ सिंपल एंड पावरफुल एप्लीकेशन विच गिव्स यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिवाइस, ठीक। एडवांस यूज़र इंटरफेस भी देता है इसमें। तो ऐसे चीज़ें कुछ, और नेक्स्ट करते हैं, इसको सेटअप कर लेते हैं थोड़े से। तो देखिए डायरेक्टली सेटअप हो जाता है। सबसे ऊपर आपको दिखाता है डिवाइस नेम, आपके डिवाइस का क्या नेम है। इसके बाद देखिए प्रोसेसर का नेम आ गया, एंड्रॉयड कौन सा है इसमें। मुझे लगता है कहीं तक ये कुछ चीज़ें ना जो गलत दिखा रहा है, जैसे कि एंड्रॉयड 12 तो है इसमें, बट ये जो स्नैपड्रैगन है ये 678 है। तो यहाँ पे 675 दिखा रहा है, हो सकता है कुछ कुछ कभी गलती कर दो। चलिए और भी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेमोरी दिखाएगा। सेकंड नंबर पे देखिए कितना मेमोरी यूजेस है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल और ज़्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज ये आपका हो सकता है शायद रैम है, मेमोरी यानी रैम दिखा रहा है। रैम को दिखाना चाहिए इसमें, कई ऐप्स दिखाते भी है, शो यूजेस करते हैं, बट इसमें नहीं शो हो रहा। बैटरी में देखेंगे तो बैटरी में कुछ ऐसा पेज आ जाता है। आप देखिए इसको आप डार्क मोड से कोई भी और मोड में चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैटरी लेवल के तक गुड है, आप टेम्परेचर वगैरह। इसके बाद MAH चेक कर सकते हैं, इधर मैक्सिमम कैपेसिटी, बैटरी टाइप कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ किया गया है वो आप देख सकते हो इसी में, ठीक। इसके बाद आप इसी को, इसका जो डेटा है वो फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इधर से एक्सपोर्ट हो जाएगा। और भी चीज़ें दिखाऊंगा मैं अभी आपको डेटा के बारे में। देखिए सबसे पहले जो CPU है, CPU आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा देगा, ऐसे आइकन आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है आपके फ़ोन में कौन सी कंपनी का और कौन सा प्रोसेसर डाला हुआ है, तो इस ऐप को ज़रूर से चेक करिए। इसमें आपको सारी चीज़ें, जिस फ़ोन में प्रोसेसर शो नहीं करता है वेबसाइट्स पे भी और कंपनी ऑफिशियली नहीं बताती है, तो ये जो ऐप है ये आपको बता सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से कोर्स दिख जाएगी आपको, कितने NM का प्रोसेसर है वो आप शो हो जाएगा, वो आप देखिए। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, उसमें कैसी परफॉर्मेंस है, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे अभी रन हो रहा है, और जैसे आप ऐप यूजर्स कम करते हैं या फिर गेमिंग के अगर, तो वो यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोर आपको शो हो जाएंगे सारे के सारे, कितने कोर्स हैं, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक हैं या चल रहे हैं, कुछ ऑफ है या फिर कम है। जैसे देखिए ये जो सारे कोर हैं ये थोड़े थोड़े कभी कम होते हैं और ये वाले कोर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अभी ये ज़्यादा हो गए तो अभी ये कम हो गए, ऐसे इनमें चलता रहता है। दो कोर्स थोड़े से डिले चलते हैं या फिर जब हैवी टास्क करते हैं सब तब ही यूज़ होते हैं, या फिर थोड़ा रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं, ये स्विचिंग होता रहता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे CPU के और भी सारे डिटेल्स है, आप देख सकते हो हार्डवेयर से लेके सपोर्ट, CPU टाइप कौन सा है, इसके बाद इसमें आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, इसके बाद इसमें प्रोसेसर NM और कोर्स, फ्रिक्वेंसी, GPU कौन सा डला हुआ है वो भी आपको इधर मिल जाएगा। GPU वेंडर क्वालकॉम है, वो भी आपको समझ में यहाँ पे दिख जाएगा। OpenGL है इसमें, ES3.2 वो भी आप देख सकते हो इधर ही। तो सारे कुछ चीज़ें GPU के बारे में और CPU के बारे में मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ये डिस्प्ले के बारे में और कैमरे के बारे में। डिस्प्ले के बारे में ये सारे स्पेक्स ऊपर के ऊपर शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे कैमरा, 48 मेगापिक्सल कैमरा इसके अंदर। तो ये अभी इसकी डायमेंशन दिखा सकता है, यहाँ पे MM कितना जो है यूज़ हुआ है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कितना जो है इसका क्या क्या डिटेल है वो सारे आपको शो हो जाएगी। रेजोल्यूशन से लेके देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ MM में, अपर्चर कितना है, सारे कुछ चीज़ें जो है शो हो जाएगी। सेंसर, पिक्सल साइज, क्रॉप फैक्टर, बहुत सारे ऑप्शन और भी देखिए, बहुत सारी लंबी लाइन है, और कितने मेगापिक्सल पे आपको कितना रेजोल्यूशन आप सपोर्ट इसमें करता है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो जाएगा सारा कुछ। इसके बाद और भी इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैमरे के अलग अलग डिटेल्स आप देख सकते हो इधर से स्वाइप करके, कि आपके फ़ोन में कौन सा कैमरा है, वो कितने मेगापिक्सल है, क्या डिटेल्स है उसके। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये है स्टोरेज का। स्टोरेज में यहाँ पे आप देख सकते हो
स्टोरेज में सारा स्टोरेज आ गया है, कितना यूजेबल है और अभी कितना यूज़ हो रहा है। इसके बाद कोड नेम में यहाँ पे सिस्टम के कुछ स्पेक्स दिखा दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरर तक दिखा दिया गया है, बूट लोडर अनलॉक है या लॉक है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये मेरे फ़ोन का लॉक्ड है, ठीक। तो यहाँ पे अभी इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। कर्नल और एंड्रॉयड प्ले सर्विस का जो वर्जन है वो कौन सा चल रहा है, फिर अभी चेंज करना चाहते हो, ऐसी कुछ चीज़ें इसमें शो हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क्स, तो नेटवर्क यहाँ पे काम करेगा जब डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होगा। अभी देखिए यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो यहाँ भी वो ज़ीरो ही शो कर रहा है, अभी कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड्स, जब आप यूज़ करें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। पिंग आप देख सकते हो, पिंग इसमें दिखा रहा है, शो कर रहा है कैसे चल रहा है पिंग, और बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें यहाँ पे शो करेंगे, ठीक। ऐसे वाईफाई वाला भी इसी के अंदर शो कर रहा है कि वाईफाई में कितने मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड वो यूज़ हुआ है, बैंड 6 है या नहीं, वाईफाई डायरेक्ट सपोर्ट है या नहीं है, ऐसे करके बैक आते हैं। और यहाँ से और भी चीज़ें देखिए, तो देखिए एक कंपास वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे तो ये सेंसर अगर आपके फ़ोन में है तो ये तो ही शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। और ये कुछ इसके फ्रिक्वेंसी वगैरह ये सेंसर वाले हैं। और भी चीज़ होना चाहिए था मुझे, मुझे पता है एक और ऐप है उसमें सारे सेंसर्स का डिटेल आता था, बट इसमें सारे सेंसर्स पे उसमें फोकस नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ एक ऐसा सिक्योरिटी का आइकन आएगा, तो ये टेस्टिंग का है बेसिकली। इसमें आप डिस्प्ले टेस्ट, हर एक तरह का टेस्ट आप चेक कर सकते हो अपने फ़ोन में, ठीक। ये हो गया, तो इस तरह से मल्टी टच है या नहीं है, तो ये आप ओके इसको बेसिकली टेस्ट करना रहता है। देखिए ऐसे करके ये हो रहा है, तो ये मल्टी टच है, ये आपने देख लिया, अब आप इसको यस कर सकते हो। इसी तरह से ये फ्लैश लाइट वाला हो गया, तो ये भी टेस्ट हो गया ओके। इस तरह से सब चीज़ों को आप अपने इसमें टेस्ट कर सकते हो। अगर आप कभी भी सेकंड हैंड फ़ोन ले रहे हो या फिर फ़ोन में कोई गड़बड़ी लग रहा है, तो उसमें इस तरह के ऐप्स जो बहुत काम के होते हैं जिनमें आप सभी चीज़ें चेक कर सकते हो। इसके बाद सेटिंग्स है, सेटिंग्स में कुछ खास इसमें है नहीं। एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हो यहाँ से सारी चीज़ों का। विजिट्स वगैरह में जाएंगे तो विजिट्स में कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा विजिट्स। रिफ्रेश इंटरवल टाइम मिनट्स चेंज आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। और बैक आते तो इधर से ऐसी कुछ चीज़ें आ जाएगी। अब विजिट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए विजिट्स में इसमें आपको कैसे कैसे विजिट्स मिल जाते हैं वो आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको इस तरह के जो CPU वाले जो ऐप है GCPU करके, इसके सारे विजिट इधर मिल जाएंगे। इसको क्लिक करिए जस्ट, और ऐसे देखिए आपको यहाँ पे नए नए विजिट्स ऐसे आ जाएंगे। और भी हम ऐड कर लेते हैं, देखिए कौन कौन से विजिट्स इसमें दिए गए हैं, सभी हम टेस्ट कर लेते हैं। एक ये विजिट है, और ये एक, मतलब ये सेम ही है एक तरह से, बट इसका जो UI है वो कुछ ऐसे में है और इसका सर स्क्वायर में आ जाएगा। ये भी मुझे के लगता है वो सेम ही आएगा, जैसे कि देखिए इस वाले को भी लास्ट वाले को देखते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐसे आई है, जैसे देखिए इसमें विजिट्स आप देख सकते हो कितना अच्छा विजिट्स इसमें दिए गए हैं। इसको आप हटा सकते हो इधर से, इसको आप इधर रख लीजिए यहाँ पे, और ऐसे इसमें आप सारी डिटेल्स इसमें देख सकते हो, ठीक। और इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको अब अगर हो सकते ये एक्सपेंड हो जाए ओके। अब ये एक्सपेंड भी हो चुका है, अब इस तरह से सारे जो विजिट्स हैं, चीज़ें, डिटेल्स हैं वो आप अपने फ़ोन पे ऊपर ही देख सकते हो। तो काफ़ी कमाल का ऐप है, और सारे डिटेल्स और UI भी अच्छे से दिखा देता है, सब कुछ यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। और राइट गाइस, तो ये था ऐप जिसकी मदद से आप सारे जो फ़ोन के डिटेल्स है, स्पैक्स है, वो आप चेक कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। इसके अलावा और भी ऐप्स अगर आप चाहते तो मेरे पास और भी ऐप्स हैं, मैं उनका रिव्यू कर सकता हूँ। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।